हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो बहुत वायरल हो रही थी, दोस्तों इसकी हेडलाइन है बीएड स्पेशल को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दोस्तों, जो इसकी हेडलाइन है, क्या है इसका पूरा सच, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हुआ चलता हूँ। इसी के बिहाव पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कुछ अदर चैनल है जिनके लिंक आपको मिलने वाले हैं, उनको भी एक बार विजिट करके वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हुआ चलता हूँ। एक आरटीआई के जवाब में एनसीटी दिल्ली ने दी जानकारी। अब दोस्तों, ये जो पूरी न्यूज़ है, ये किसी जो व्यक्ति है उनका ये केस था, तो दोस्तों उसी के बिहाव पर ये न्यूज़ जो है पब्लिश की गई है। अब दोस्तों, इसके अंदर की बात मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड स्पेशल एजुकेशन के डिग्री धारक है और सोचते हैं कि इस डिग्री से सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो सतर्क हो जाएं। दोस्तों, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ। यहाँ तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बीएड की स्पेशल एजुकेशन के डिग्री धारक हैं, यानी कि आपने बीएड की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी अपने फील्ड में। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा बताता हुआ चलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटी दिल्ली ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि एनसीटीई एक्ट 1993 के सेक्शन 17(4) के तहत बीएड स्पेशल एजुकेशन की अर्हता किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय और किसी अनुदानित सरकारी संस्था में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षणिक अर्हता के तौर पर मान्य ही नहीं है। दोस्तों, इन्होंने जो ये पूरा मैटर बताया, ये किसी व्यक्ति का था केस, उसके बिहाव पर उनका तो कुछ रुका होगा, तो दोस्तों उसके बिहाव पर न्यूज़ पब्लिश की गई। अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ चलता हूँ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थी सतीश चंद्र यादव विषय भूगोल का चयन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी के पद पर होना था। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के सामने आया कि अभ्यर्थी ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 में बीएचयू से बीएड स्पेशल की डिग्री प्राप्त की है। काउंसलिंग के दौरान समिति को बीएड स्पेशल व बीएड डिग्री को लेकर संदेह पूछा गया कि यह डिग्री एनसीटी द्वारा मान्य है। इस पर बीएचयू से पत्राचार किए जाने पर विभाग के हेड एंड डीन ने बीएड स्पेशल की डिग्री और बीएड की डिग्री की समकक्षता की जानकारी के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई व राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीईटी से प्राप्त करने को कहा। इस पर रांची झारखंड के माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव ने 25 जनवरी 2019 को एनसीईटी व आरसीआई के सचिव को पत्र लिखकर दोनों डिग्री के समकक्षता की सूचना मांगी थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक रांची दिलीप कुमार झा ने 7 जून 2019 को गोड्डा जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से बताया कि एनसीईटी दिल्ली का जवाब आया कि इसके अनुसार एनसीईटी एक्ट 1993 के सेक्शन 17(4) के तहत बीएड स्पेशल की अर्हता किसी भी सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय व किसी अनुदानित सरकारी संस्था में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रशैक्षणिक अर्हता के लिए तौर पर मान्य नहीं है। दोस्तों, ये मैटर ये था कि दोनों डिग्री थी उनके पास, बीएड नॉर्मल और बीएड स्पेशल, तो दोस्तों उनकी समकक्षता यानी कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उस पर था। और दोस्तों, इन्होंने ये जो इसकी हेडलाइन है वो बिल्कुल गलत है कि बीएड स्पेशल को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएड स्पेशल की अलग वैकेंसी आती है DSSB बोर्ड में, और दोस्तों जो अदर बोर्ड हैं, KVS ने भी निकालने शुरू कर दिए हैं, और भी यूपी बोर्ड जो है वो भी निकालता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास बीएड स्पेशल की डिग्री है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, इसी के बिहाव पर जो BHU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, वो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, दिनांक 10 जुलाई 2019 के वाराणसी के संस्करण में प्रश्न संख्या 6 पर प्रकाशित शीर्षक बीएड स्पेशल को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी के संदर्भ में। अब दोस्तों, देखो कितना बड़ा जो टॉपिक है, उस पर बिल्कुल इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि ये जो हेडलाइन है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है कि बीएड स्पेशल को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रकाशित शीर्षक एवं समाचार निहायत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उदित किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर ऐसी हेडलाइन पब्लिश होती है तो जो बीएड के स्पेशल एजुकेशन के कैंडिडेट हैं वो सोचेंगे कि उनको वहां पर जॉब नहीं मिलेगी।
चूंकि बीएड स्पेशल कोर्स के अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा के सरकारी क्षेत्रों में उनके लिए प्रकाशित रोजगार में भरपूर अवसर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो दोस्तों बीएड के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, चाहे किसी भी कोर्स में किया हो, एलडी में किया हो, एमआर में किया हो, एचआई में किया हो, दोस्तों उनको भरपूर अवसर मिलता है प्राइवेट फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में, दोनों में। अब दोस्तों यहाँ पर आगे की लाइन देख ली, तथा ये वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, यानी कि विजुअल इंस्टीट्यूट है वो अली आवरजंग जो हियरिंग डिसेबल हियरिंग एंड स्पीच का है, और दोस्तों उसके बाद अस्थि विकलांग यानी कि ऑर्थोपेडिकली इंस्टीट्यूट जो है, उसके बाद मेंटली हैंडीकैप जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, इन सब की वीडियोस भी मैंने चैनल पर डाली हुई है, आदि अनेकों ऐसे संस्थान व राज्य सरकार के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिभ्रामित शिक्षक व संस्थान शिक्षक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी विभिन्न नियुक्तियां जैसे सहायक आचार्य से लेकर आचार्य तक विभिन्न स्तरों पर शासन आदेश द्वारा नियुक्त की जाती रही है। बिल्कुल दोस्तों लेक्चरर की पोस्ट निकलती रहती है और आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन से की हुई है तो दोस्तों आप टीजीटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB व अनेक संस्थानों द्वारा बहुत आयत में समय समय पर रिक्तियाँ प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों यही था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बीएड की स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली मिलने वाली है क्योंकि ये डिग्री जो की है आपने किसी जॉब के लिए की है और वो आपको मिलेगी। अब दोस्तों इनकी जो अगली लाइन है वो यही है कि जो न्यूज़पेपर है उसके लिए था कि आप बिल्कुल इसको संशोधित कर एक अच्छी सी न्यूज़, मतलब जो एक्यूरेट न्यूज़ है, जो बिल्कुल नॉलेजेबल न्यूज़ है वो पब्लिश करें, ऐसे भ्रम ना फैलाएं। तो दोस्तों मैं यही आपको बताने वाला था इस वीडियो में कि अगर आपके पास बीएड की स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब YouTube चैनल। लिंक मिलने वाले हैं कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर विजिट कर लेना। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।